friends, welcome once again. I am Jitendra Varia, and now the session of active and passive is going on. Active और passive का अपन session पूरा चला रहे हैं. इससे पहले अपन ने simple indefinite tense, continuous tense complete कर लिया है. आज जो अपना topic रहेगा वो रहेगा perfect tense. ये obviously competition coaching जो बच्चे जा रहे हैं और competition के लिए English की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. एक्टिव और पैसिव तो हर एग्जाम में आता ही है. तो आप पहले वाले सेशन को और इस वाले सेशन को पूरा देखें. पहली रिक्वेस्ट ये है कि पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में माइंड एक्चुअल में स्पीड के साथ साथ सही भी वर्क करना चाहिए. ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो परफेक्ट टेंस रहेगा, कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव किस प्रकार चेंज किया जाता है. इसको समझने के लिए पहले हमने केसेस सीखे हैं, जो मैंने जो आपको सिंपल एक्टिव और पैसिव का सिंपल टेंस पढ़ाया है उसमें मैंने बता दिया है कि केस कितने होते हैं. थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव. अब उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव और नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव चेंज करना आना चाहिए. उसी के बेस पर ही आप सब कुछ सीखेंगे. नॉमिनेटिव वे जो सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट. अब ऑब्जेक्टिव वो होगा जो काम नहीं करेगा. आई का मी होगा, यू का यू ही रहता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम होता है, शी का हर और इट का इट ही रहता है. ठीक है, और यदि किसी का नाम है तो उसका सब्जेक्टिव भी वही रहेगा और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि नाम है. अपन आते हैं परफेक्ट पर. परफेक्ट टेंस इससे पहले अपन पूरा पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उसको करते हैं, तो आज अपन थोड़ा एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसमें परफेक्ट में एक सहायता आपको मिलेगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, हैज और हैव. बस एक्टिव से पैसिव बनाने में इतना अंतर है कि एक्टिव में हैज के बाद वर्ब थर्ड लग जाएगा और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बीन लगाने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. इतना समझ में आया? यानी एक्टिव और पैसिव में अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे आसान कोई टेंस है तो वो परफेक्ट ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहनी है, वर्ब सेम ही रहनी है. एंड नाउ यू विल हैव टू लुक ओवर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ऑनली आपको नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव चेंज करना आना चाहिए. हाउ कैन वी डू दैट और वो उससे अपन कैसे कर सकते हैं, वी विल लर्न हियर दैट हाउ कैन वी चेंज इन टू पैसिव एंड पैसिव इन टू एक्टिव. ओके, सो पहला हम सेंटेंस लिखते हैं. अपन तीनों ही टेंस में एक साथ ही करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में. तो जैसे अपन कहें राम पत्र लिख चुका है, क्योंकि लिखने को सभी को पता है, लिखने को राइट कहते हैं. राइट का सेकंड रोट और थर्ड रिटर्न होता है. पास्ट किया, राम पत्र लिख चुका था. और फ्यूचर किया, राम पत्र लिख चुका होगा. ओके, तो पहले जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक्टिव में हैज के बाद वर्ब थर्ड लगता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा कि राम हैज, चूंकि लिखने को राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राम हैज रिटर्न क्या लिखा है, लेटर. अब चूंकि ये काउंटेबल चीज है तो सिर्फ क्या लेटर लिखना सही रहेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल चीज है. जब आप काउंटेबल चीज में सिंगुलर एक वचन नाउन लिख रहे हो तो उसके पहले आर्टिकल लिखना कंपलसरी हो जाता है, तो ये लिखना पूरी तरह से गलत है. इसके पहले आपको आ लेटर लगाना जरूरी होगा. इफ यू आर लर्निंग दीज थिंग्स, राम हैज रिटर्न आ लेटर, क्योंकि लेटर काउंटेबल है इसलिए इसके आगे आर्टिकल लगना जरूरी है. आर्टिकल का भी सेशन अपन करेंगे पूरा. तो राम हैज रिटर्न अ लेटर. अब इसका जब आप पैसिव में करेंगे तो पैसिव में जो सब्जेक्ट है ना राम, ये बाय राम करके लास्ट में चला जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका आ लेटर, ये आ लेटर अपना पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा. तो क्या बनेगा हिंदी में, कि पत्र राम द्वारा
लिखा जा चुका है। ठीक है, तो ये हुआ कि राम द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, तो आ लेटर। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहनी है, सिंगुलर हैज यहां भी है, केवल एक वर्ड जोड़ना है आपको, क्या जोड़ देना है, बीन। तो राम बाद में जाएगा, तो राम से तभी मतलब है नहीं अपने को। तो अ लेटर हैज बीन, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटन। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय किसके द्वारा है, राम द्वारा। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, समझ पा रहे हैं आप इसे कि क्या हो रहा है, क्या किया कि राम हैज रिटन अ लेटर। पैसिव में ये जो अ लेटर था ये सब्जेक्ट बना, यानी इधर का एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना, तो अ लेटर चूंकि लेटर सिंगुलर था इसलिए हैज यहां भी रहेगा और यहां भी, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों जगह सिंगुलर है। हैज के बाद पैसिव में क्या जोड़ दिया, केवल बी, और थर्ड फॉर्म दोनों में सेम ही है, तो रिटन रिटन, और किसके द्वारा लिखा गया वो लास्ट में अपन बाय राम लगाकर उसको कर देंगे। ओके, इट्स क्लियर। अब यहां पर अपन ने सिर्फ हैज़ लिखा है, तो इसको पूरे को लिख लो आप, हैड होगा पास्ट और फ्यूचर होगा विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, क्योंकि सभी में सेम फॉर्म लगेंगी, एक्टिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव में भी वही वर्ब थर्ड फॉर्म है, पैसिव में भी वही वर्ब की थर्ड ही फॉर्म है। तो अपन पास्ट पे आते हैं, तो राम हैड थर्ड फॉर्म हुआ रिटन, क्या लिखा उसने, अ लेटर। राम हैड रिटन अ लेटर, इसी का आप जब पैसिव करेंगे तो क्या हुआ कि पत्र राम द्वारा लिखा जा चुका था। तो फिर से वही, यहां का ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, ये यहां सब्जेक्ट हो गया, तो आ सॉरी अ लेटर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही सेम हैड, बस क्या जोड़ दिया इसमें, बीन, तो इसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, अ लेटर हैड बीन थर्ड फॉर्म रिटन। अब बाय लगाकर उसको जोड़ देंगे जिसके द्वारा लिखा गया, बाय राम। आ रहा समझ में, फ्यूचर पे आए तो यहां पर सब्जेक्ट चूंकि राम ही है, फ्यूचर होगा तो क्या होगा, विल हैव, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, राम विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ये हुआ अपना एक्टिव। अब इसका पैसिव जब किया तो राम लास्ट में आएगा, तो पत्र को पहले लिखो, पत्र राम द्वारा लिखा जा चुका होगा। आफ दैट इट्स क्लियर, समझ पा रहे हैं, अ लेटर फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेंगी, विल हैव है तो यहां भी विल हैव ही होगा, अ लेटर विल हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटर्न बाय किसके द्वारा रिटर्न किया गया, राम द्वारा। तो क्या सीखा कि जो एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं परफेक्ट टेंस का, तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको सेम मिल रही है एक्टिव में भी पैसिव में भी, वर्ब भी मिल रही है एक्टिव में भी और पैसिव में भी, केवल परफेक्ट का पैसिव बनाने में आपको बीन का ही यूज करना अलग से, बाकी सेम है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव मींस एंड ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहां पर अपन ने नाम लिया है राम, तो राम एक्टिव में भी होगा और पैसिव में भी सेम ही होगा। अपन कुछ प्रोनाउन की बात करेंगे तो उनको अपन किस प्रकार से नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव बनाएंगे वो और सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या होगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव करते हैं और मेन फोकस आपका किस काम को, किस एजेंडे को आपने फिनिश किया, अगर उसको आप फिनिश कर रहे हैं तो आपको बाय लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप बहुत साइन
जैसे आप एटीएम गए, ठीक है, एटीएम पर गए तो आपका कुछ ट्रांजेक्शन जो भी था वो हुआ, तो सिर्फ इतना लिखा आता है कि ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। उसमें किसके द्वारा किया गया है ये फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब काम में आप उस काम को फोकस कर रहे हैं जो किया गया, किसके द्वारा किया इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसको बाय लगाकर जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। मीन्स दैट यू डोंट नीड टू पुट एनी ऑब्जेक्ट देयर, यू जस्ट हैव टू पुट योर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या हुआ कि यदि आप कोई मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, अब जैसे ही वो डाउनलोड हुआ तो डाउनलोड होने के बाद आता है कि एप्लीकेशन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तो जो एप्लीकेशन हुई वो मेन चीज़ हो रही है, वो इंस्टॉल्ड हो रही है। अब किसके द्वारा हो रही है इससे उसको मतलब नहीं था, यानी जब वर्क करना, जो काम करना है वो मेन चीज़ है, तो आपको बाय लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अपन ने कहा कि द पुलिस हैज़ अरेस्टेड, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हुआ, अरेस्टेड द थीफ, तो मेन चीज है थीफ, थीफ को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो अब आप बना रहे सेंटेंस कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन फोकस किस पर हो रहा है आपका, उस थीफ पर। तो द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया है या कर चुकी है। तो आप पैसिव क्या बना रहे हैं कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, आ गया समझ में? तो थीफ, चोर को पकड़ लिया गया है, क्योंकि चोर मेन चीज था इसलिए अपन ने बाय पुलिस लास्ट में नहीं लगाया। ठीक है, तो जो एजेंडा आप जो काम कर रहे हैं वो अगर मेन चीज है तो आपको बाय लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, तो पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, सिंपल में पढ़ा अपन ने, इज मा बर्थ थर्ड लगेगा, तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप वर्क पर फोकस कर रहे हैं देन यू कांट पुट बाय हियर, आप नहीं लगाएंगे, नहीं भी लगाना है तो भी सेंटेंस सही ही है। ओके, तो अब कुछ प्रोनाउन की अपन बात कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर अपन किसी प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने कहा कि मैं ये काम कर चुका हूँ, बहुत इजी सा सेंटेंस है, जल्दी से ट्रांसलेट करो, आई हैव, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन, डू, सेकंड डिड, और थर्ड डन होता है, तो आई हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क, पास्ट किया तो आई हैड डन दिस वर्क, फ्यूचर किया तो सामान्य कंडीशन है इसकी शैल है, डन दिस वर्क। ओके, क्लियर। अब जो दिस वर्क यहां पर है वो यहां पर पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अपन जैसे लिखते हैं कि यह काम मेरे द्वारा जा चुका है, ये काम मेरे द्वारा किया जा चुका था, यह काम
यहाँ दिस वर्ब था तो दिस वर्ब को अपन ने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनाया तो यह काम मेरे द्वारा किया जा चुका है, यह काम मेरे द्वारा किया जा चुका था और यह काम मेरे द्वारा किया जा चुकेगा। तो ये जो दिस वर्ब था यहाँ सब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, पास्ट में भी दिस वर्क, फ्यूचर में भी सेम दिस वर्क, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या हुआ सिंगुलर था तो हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल है। अब जो अपन ने क्रिया है वो थर्ड फॉर्म ही लगानी है, यहाँ भी सेम डन है तो यहाँ भी सेम थर्ड फॉर्म डन ही रहेगा। तो दिस वर्क हैज बीन, सॉरी बीन, यहाँ भी बीन और यहाँ भी बीन, दिस वर्क हैज बीन डन बाय। अब यहाँ पर आई है, आई का यहाँ ऑब्जेक्ट बाय मी, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, ठीक, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अगर यहाँ पर अपन कोई और प्रोनाउन ले जैसे ही, शी, यू, वी या दे, और ये सब ये काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से कोई प्रोनाउन आएगा तो उसका वहां पैसिव में क्या होगा, जल्दी से बोलते जाओ कि ही का पैसिव में यहां क्या हो जाएगा, ही का हिम, दूसरा सी का हर, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाएगा और दे का देम। ये पूरा अपने को याद रखना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि यदि सब्जेक्ट ही शी यू वी दे है तो ही का हिम, शी का हर, यू का यू, वी का अस और दे का देम बाय लगकर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी, सिर्फ पैसिव में आपको क्या जोड़ देना है बीइंग, और एक्टिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ लाएंगे, आई में बदलेंगे, हैज बीन हैव बीन जो भी लग रहा था उस बीन को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दी केवल थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट था उसको वैसे लिख देंगे। तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करना बहुत आसान है यदि हमें केस आते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो आते हैं वो केस वाले ही आते हैं अधिकांश, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आपको यही याद रखना है कि क्या केस होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आई का मी, मी का आई, यू का यू ही रहेगा दोनों जगह, वो तो सेम ही रहेगा, बहुत ईजी है। वी का अस, अस का वी, ठीक, दे का यहाँ देम और देम का यहाँ दे, ही है तो ही का हिम, हिम का ही, शी है तो शी का हर होता है और हर का शी, इट है तो इट का यहाँ भी इट और यहाँ भी इट। ओके, इट्स क्लियर, थैंक यू गाइस, कीप शेयरिंग, ओके, शेयर करते रहें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट कैन हेल्प देम। ओके, थैंक यू।